तीन दिवसीय भाजपा कार्य समिति व प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दों को लेकर सबका साथ सबका विकास को लेकर वर्षों से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी से सीधा पूछता हूं कि जब ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में था तो उनके वकील क्यों नहीं खड़े हुए और अपने गजट में 27% ओबीसी आरक्षण की बात की थी, आपने प्लान किया और यह प्लान आपका डिस्पोज हुआ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद विवेक तंखा को लेकर कहा कि चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रद्द करने के लिए याचिका लगा रहे। वहीं मध्य प्रदेश में कई प्रकार की ताकतें आज भी है जो देश विरोधी काम कर रही है, चाहे वह वामपंथी हो। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी जानते हैं कि वामपंथी का समर्थन करने वाले कांग्रेस ऐसी ताकत है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर इस बात का उल्लेख किया राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की माता बहनें और देश की जनता कहेगी मजाक कर रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता है। दुनिया वासुदेव कुटुंबकम का जो कार्य किया जा रहा है वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताया। वहीं राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी अपने बारे में विचार मंथन करें। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार पर बीडी शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता। काशी से लेकर सोमनाथ आज इस देश के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के रोड मैप को तैयार किया है उसका जीर्णोद्धार ही नहीं किया बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, स्वास्थ्य सुविधा में भारत पारंगत बने और गरीब को गरीब की 5 लाख रुपए का उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम भी भाजपा सरकार ने किया है। साथ ही उन गरीबों के जिसके सर पर छत नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री इस देश को नए भारत के निर्माण के लिए लगे हैं, इसलिए उन्हें युग पुरुष की संज्ञा दी। वहीं राहुल गांधी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अपनी खुद की आइडेंटिटी तो बताए कि वह कौन है। देखिए अगर आप मुझे कमलनाथ जी कह रहे हैं इसलिए कोई जवाब देना है तो मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दे से लेकर के सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पर आज से नहीं बरसों से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी मैं कमलनाथ जी से उल्टा पूछता हूँ कि जब ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था तो उनके एडवोकेट जनरल क्यों खड़े नहीं हुए थे? और आपने गजट में पारित करके कहा था कि 27% पॉपुलेशन है ओबीसी की, 27% आरक्षण चाहिए, यानी आपने प्लान किया कि ये मामला डिफ्यूज हो जाए और वो हुआ। आपके एडवोकेट जनरल खड़े नहीं हुए और वही एडवोकेट जनरल, वही आपके कांग्रेस के नेता जो आपके प्रवक्ता हैं, आपके वकील हैं, वो जाकर के चुनाव के लिए हाई सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं और ये चुनाव डिस्टर्ब हो जिससे ओबीसी को अवसर नहीं मिले, ये कौन कर रहा है? ये आपके लोगों ने किया है। कमलनाथ जी जवाब दें इसका। राहुल गांधी ने पीएम पर अटैक किया है, उनका देखिए इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी आज भी कई प्रकार की ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी काम करने का काम कर रही, चाहे वो वामपंथी होंगे। उन वामपंथियों को समर्थन करने का काम कौन करता है? ये कांग्रेस ही करते हैं। इसलिए ऐसी जो ताकतें जो समाज को तोड़ने का प्रयास करती हैं, मैंने ऐसी ताकतों के बारे में उल्लेख किया है। देखिए राहुल गांधी जब ये कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहा हूँ तो देश के नौजवान, देश की जनता, देश के माताएं बहनें, हर आदमी कहेगा कि मजाक कर रहे हैं। सर राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अब इसकी जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इस दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के अंदर आज ये दुनिया स्वीकारोक्ति दे रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में इस दुनिया के अंदर कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और दुनिया उनको स्वीकारोक्ति दे रही है। नरेंद्र मोदी केवल भारत के नहीं अब ग्लोबल लीडर हैं। राहुल गांधी जी, अरे अपने बारे में कुछ मंथन करें, है ना। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। आप मुझे बताइए कि काशी से लेकर के सोमनाथ से लेकर के आज इस देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल मैं मंदिरों काशी के अंदर, मैंने काशी के रोड मैप को तैयार करके केवल जीर्णोद्धार नहीं किया है तो हमने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत पारंगत बने,
तो अगर गरीब को स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का इस देश के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम भी हम कर रहे हैं। उन गरीबों को जिनके पास सर पर छत नहीं है, आज भारत के अंदर हमने उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनका अपना घर हो, ये भी हमने इस देश के अंदर काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री एक नहीं, इस देश को नए भारत के निर्माण में जो लगे हैं, इसलिए मैंने उनको ये पुरस्कार है। सर उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी अकेला गंगा में स्नान करता है और हिंदू करोड़ों के साथ स्नान करता है। अरे वो तो पहले बताएं राहुल गांधी कि वो कौन है, अपने बारे में उनकी आइडेंटिटी क्या, यही बता दें राहुल गांधी, ये देश जानना चाहता है।